हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्राफ्टी शॉपिंग। तो मैंने अपनी वीडियोस के लिए क्या क्या शॉपिंग करी, तो चलो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिए 3D नियॉन लाइनर्स, और जो कि है 100 रुपीज़ के, और ये मुझे पड़े थे कुछ 90 रुपीज़ के, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिखते हैं। इन सब आइटम्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिए, ये मैंने किसी शॉप से लिए हैं, अगर शॉप वाले का नंबर अरेंज होता है तो वो भी मैं कर दूंगी। और ये कुछ इस तरीके से लिखता है, और ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत सुंदर लिखता है। कैमरा इतना ज़्यादा कैच नहीं कर पा रहा, बट ये बहुत ही सुंदर लाइनर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे। जो नेक्स्ट आइटम है वो है मेरा डॉम्स के स्केच पेन, क्योंकि मेरे सारे ही स्केच पेन ख़राब हो रहे थे, तो मैंने बड़ा पैकेट लेना सही समझा, जो कि मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा है। ये भी कुछ 100 रुपीज़ का था, तो उन्होंने मुझे 90 रुपीज़ का दिया है डिस्काउंट के साथ। तो इसको मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर 24 शेड्स हैं कलर्स के, और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और ये फीलिंग सिर्फ एक क्राफ्ट वाला बंदा समझ सकता है, जो क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, आर्ट एंड क्राफ्ट से, वो ही बंदा इस चीज़ की खुशी को फील कर सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है नंबर स्टिकर्स। तो ये मुझे पड़े थे 30 रुपीज़ ईच, और इस तरीके के मैं तीन से चार स्टिकर्स ख़रीद के लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टिकर्स के बाद मैंने जो ली थी वो है A4 साइज़ की डिज़ाइनर शीट्स, ये मुझे 5 रुपीज़ ईच पड़ी थी, और जो लास्ट की दो शीट है वो मुझे 10 रुपीज़ ईच पड़ी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी थिक है एज़ कम्पेयर टू दीज शीट्स। और इसके पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आई जस्ट इन लव विद देम। अब इन A4 साइज़ की शीट्स के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, जो कि है हमारी ग्लिटर कलर्स, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखते हैं, और ये मुझे पड़े थे 80 रुपीज़ के। और जो मेरा लास्ट आइटम है वो है स्केच पेन, परमानेंट स्केच पेन, जो कि एक हर आर्ट एंड क्राफ्ट वाले की बेसिक नीड रहती है। तो मैंने 3 कलर के स्केच पेन खरीदे थे, जो हैं ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर। और इसके बाद मैंने 2 चीज़ें और ख़रीदी थी जो मैं खुद ही भूल गई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने ख़रीदा था ये शीट्स, ये A3 साइज़ की कलर्ड शीट्स हैं, जो कि मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट में मोस्टली यूज़ होती रहती हैं। और इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है वो है लास्ट थिंग, वो है ग्लिटर शीट्स, और इसके कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर्स हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो आज की ख़त्म होती है, और मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, मिलते रहेंगे आपको अच्छी अच्छी इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।